रजनीकांत की आने वाली फिल्म का क्या नाम है? किस हसीना के साथ पर्दे पर रोमांस करते हुए नजर आएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। रजनीकांत 71 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब भी बड़े पर्दे पर नजर आते हैं किसी यंग हीरो से कम नहीं लगते। उनकी एक्टिंग के साथ साथ लोग उनके स्टाइल के भी दीवाने हैं। सिने वर्ल्ड के सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर से बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वाले हैं। बीते दिनों उन्होंने डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के साथ अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया था और इस मूवी का नाम होगा थलाईवार 169, या यूं कहें थलाईवार 169। रजनीकांत इस मूवी में किस एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में खुलासा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉक्स ऑफिस के किंग एक बार फिर से ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे। एक्ट्रेस के पास स्क्रिप्ट को भेजा गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद है और वो फिल्म में काम करने के मूड में हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। अगर ऐश्वर्या राय इस मूवी के लिए हाँ करती हैं, तो वो दूसरी बार रजनीकांत के साथ स्क्रीन साझा करते हुए दिखाई देंगी। इससे पहले ऐश्वर्या राय साल 2010 में आई फिल्म रोबोट में रजनीकांत के साथ इश्क लड़ाती दिखी थी। मूवी में दोनों की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। अगर अदाकारा हाँ करती हैं तो 12 साल बाद एक बार फिर से दोनों को दर्शक एक साथ देख पाएंगे। थलाईवार 169 की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के गानों को कंपोज करेंगे और वहीं मूवी के डायरेक्टर होंगे नेल्सन दिलीप कुमार। सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही थलाईवार रजनीकांत की 169वीं फिल्म का ऐलान अब ऑफिशियली हो चुका है। रजनीकांत आखिरी बार अनाथे में नजर आए थे। इस मूवी में उनके अपोजिट लीड रोल में नयनतारा दिखाई दी थी। ये मूवी भी सन पिक्चर्स के बैनर तले ही बनी थी। अब सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस थलाईवार 169 मूवी में उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप थलाईवार 169 के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या आप एक बार फिर से ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की जोड़ी को देखना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।